नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और आज हम आए हैं एक नर्सरी विजिट पर, और नर्सरी का नाम है, ये आप देख रहे हैं, रईस सुनहरी नर्सरी। और ये हमारे लोकल की सबसे बड़ी नर्सरी है, और इनके पास जो वैरायटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। शाम का समय हो गया है तो आप सामने सूरज देवता भी देख रहे होंगे, ये देखिए। और बड़ी अच्छी वैरायटीज़ इनके पास मिलती हैं प्लांट्स की। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं नर्सरी में क्या क्या है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो रोज़ हैं उसकी वैरायटीज़ इनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं, और कलर्स बहुत अच्छे अच्छे इनके पास अभी नर्सरी में अवेलेबल हैं। और ये जितने भी आप रोज़ की वैरायटी देख रहे हैं, ये सारी बाहर की वैरायटी हैं, यहाँ की नहीं है ये, और ये पुणे की वैरायटी हैं सारी। ये देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है, और ये देखिए अच्छे अच्छे कलर यहाँ पर इनके अवेलेबल हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इधर भी ये देखिए, ये काफ़ी वैरायटी है इनके पास रोजेज में। और ये बटन रोज़ की आप वैरायटी देख रहे हैं, इस पर काफ़ी फ्लावर आते हैं, गुच्छों में फ्लावर इन पर आते हैं। और ये तो बर्ड्स आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए एक एक गुच्छे में 10-10, 15-15 बर्ड्स होती हैं इसमें, ये देखिए। और ये दो पौधे हमने सेलेक्ट किए हैं, ये देखिए कलर आप, ये मैं टाइगर रोज लेने आया था, ये देखिए ये टाइगर रोज है। और ये इधर हिबिस्कस की आप वैरायटी देखते हैं, ये देखिए इनके जो फ्लावर हैं बड़े सुंदर हैं, और बड़े ही साइज़ जो है इनका काफ़ी बड़ा होता है फ्लावर का, आप देख भी सकते हैं, ये देखिए। और प्राइस की अगर बात करें तो मात्र 70 रुपीज़ में आपको ये यहाँ से मिल जाएंगे। और ये बाहर के हैं सारे, यहाँ के ये वैरायटी नहीं है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है ये। और इधर सीजनल प्लांट गुलदावदी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये भी सस्ती वैरायटी हैं, और मात्र 20 रुपीज़ में आपको यहाँ से ये प्लांट बाई कर सकते हैं आप, ये देखिए सस्ते हैं काफ़ी, और रीजनेबल प्राइस में आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे गुलदावदी अगर आप लेना चाहते हैं तो। और इधर आप देख रहे हैं ये लीलियम की काफ़ी सारे इनके पास प्लांट लगे हुए हैं अभी। और लीलियम का जो फ्लावर होता है वो बड़ा ही खूबसूरत होता है, फूल तो एक ही बार आएगा इस पर, लेकिन जो फूल की क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, और बड़े सुंदर लगते हैं इसके फूल। और मात्र 50 रुपये में आप इसको बाई कर सकते हैं यहाँ से। और इधर कुछ और सीजनल प्लांट जो हमारे हैं, जैसे वर्बीना हो गया या फिर पेंजी हो गया, ये भी आप 20 रुपीज़ में यहाँ से बाई कर सकते हैं, और बड़े ही हेल्दी प्लांट हैं इनके। ये जितने भी प्लांट आप यहाँ से लेंगे तो वो मात्र 20 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। ये डाइंथस है, ये भी हेल्दी प्लांट है, 20 रुपीज़ में आप यहाँ से बाई कर सकते हैं ये। और इधर आप साल्विया के प्लांट देख रहे हैं, ये भी आप यहाँ से 20 रुपीज़ में आप बाई कर सकते हैं। साल्विया पे भी काफ़ी अच्छे इनके पास कलर हैं, कई कई सारे कलर मिल जाएंगे। एक ही कलर है इसमें देखिए, और एक ही रेड कलर है, पिंक है, और एक ही डार्क वाला कलर है, काफ़ी कलर इसमें आप मिल जाएंगे, और एक ही यूनिक सा कलर है अलग ही, ये भी आप यहाँ। और इधर ये आप देख रहे हैं, ये केल के पौधे हैं, और ये खूबसूरत लगते हैं बड़े ही, ये देखिए। और इसमें दो कलर आते हैं, एक तो ये कलर है, दूसरा एक ये वाइट कलर आता है इसमें, ये देखिए बड़ा सुंदर लगता है देखने में। मात्र 20 रुपीज़ में ये यहाँ पर मिल जाता है, और आपके गार्डन को ये हरा भरा कर देता है, सुंदर लगता है काफ़ी। और इधर इनके ये बोगनविलिया की बेल लगी हुई हैं, ये इन्होंने अपने पौधे तैयार करने के लिए लगाई हुई हैं, लेकिन ये मैंने पता किया है ये सेल भी कर देते हैं, और इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है, ये देखिए फ्लावरिंग इनकी बड़ी अच्छी है फ़िलहाल। अलग अलग इसमें ये सेट्स हैं, वेरिएशन है, देखो इन्होंने एक ही प्लांट पे दो पौधों को ग्राफ्ट किया हुआ है, ये देखिए
इसमें ये वेरिएशन वाला भी है, आप वेरिएशन देख रहे हैं, और एक सिंपल वाला भी है। तो इस तरह से ये तैयार भी करते हैं पौधे और उसको उनको सेल करते हैं उसके बाद, लेकिन इनकी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और इधर आप देखिए ये क्रोटोन की वैरायटीज़ हैं, ये भी आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, और अच्छी ये क्रोटोन की कई सारी इसमें कलर आते हैं, कई शेड आती हैं, पत्ते भी इनका अलग अलग होता है स्ट्रक्चर, तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। इंडोर प्लांट है ये, और ये अगर आप अपनी बालकनी वगैरह में लगाते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। इधर इनके पास ये देखिए ये पाम की वैरायटी है काफ़ी सारी, और पाम भी आप अपने अगर गार्डन में ऐड करेंगे तो बड़ी खूबसूरती लगती है और बड़ा ही प्यारा लगता है। इंडोर गार्डन में इनके पास बहुत सारी वैरायटी हैं अलग अलग। ये देखिए ये पीस लिली के आप प्लांट देख रहे हैं, थोड़ा सा कॉस्टली प्लांट होता है पीस लिली का, लेकिन इसका जो फ्लावर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा ये जो प्योरीफायर का भी काम करता है, एयर प्योरीफायर है ये, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट माना जाता है। और इधर और काफ़ी सारे प्लांट हैं कुछ इनके पास, ही देखिए क्रोटोन है, क्रोटोन में भी बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो ये भी आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। दूसरा इधर एक ये टेबल कामनी है, और टेबल कामनी का ये जो पौधा होता है ये देखिए ये बड़ा अच्छा लगता है, ये टेबल पे अगर आप अपनी रखते हैं तो ये खूबसूरत लगता है बहुत। और इधर और काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे ये देखिए लिपस्टिक एग्लोनीमा है, एग्लोनीमा की और फिलोडेंड्रम की काफ़ी सारी वैरायटी हैं। हालांकि ये जो प्लांट होते हैं ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, फिर भी अगर आप इनको बाई करते हैं ना तो ये आपको परमानेंट आपके गार्डन में रहेंगे या फिर इंडोर गार्डन में रहेंगे, और बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही प्यारे लगते हैं। तो ये सारे इनके पास जितना भी ये इधर एरिया है वो सारा इंडोर गार्डन का है। इंडोर गार्डन में इनके पास बहुत वैरायटी हैं, सेलम हो गया, जनाडू हो गया, ये भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, फिलोडेंड्रम हो, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये इधर देखिए ये पॉनसेतिया के पौधे हैं, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लगभग 250 रुपये इसके प्राइस हैं, लेकिन ये इसके जो लीव्स होते हैं ना, ये देखिए इसके लीव्स बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए आप देख भी रहे होंगे, बड़ा अच्छा लगता है। और इधर ये देखिए ये सारे इंडोर प्लांट हैं, कुछ इसमें सकुलेंट्स भी हैं इधर, तो ये कॉस्टली प्लांट है थोड़े जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और ये इधर क्रिसमस ट्री है, ये देखिए। तो इनके पास कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ से अगर आएंगे तो प्लांट खरीद के ही जाएंगे, क्योंकि इतना कलेक्शन है कि आप कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेके ही जाएंगे। और ये देखिए ये क्रैसुला ओवाटा है, और ये बड़ा अच्छा माना जाता है, ऐड करना इसको अपने गार्डन में शुभ होता है। और इधर आप जरेनियम के प्लांट देख रहे हैं, जरेनियम भी काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी इधर और पाम है, और यहाँ पर ये इनका पूरा जो नर्सरी का एक अलग से सेपरेट एरिया बनाया हुआ उन्होंने शेड के नीचे, ये देखिए ये पूरा शेड है, और शेड के नीचे ये इन्होंने बनाया हुआ है, जो इतनी पौध ये तैयार करते हैं यहाँ पर वो सारी इधर रखते हैं, जब ये थोड़ी मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद ये सेल के लिए उसको बाहर भेज देते हैं। और उसके जो प्राइस हैं यहाँ अभी मात्र 20 रुपीज़ है। ये डेलिया है, और डेलिया के प्लांट है ये। और एक ये पौधा और देख रहा हूँ मैं, ये थोड़े मैच्योर हो गए हैं, अच्छे लग रहे हैं, और वेमिकुलस बता रहे हैं, ये 20 रुपीज़ का प्लांट है ये, और ख़ूबसूरत लग रहा है। और एक प्लांट और है ये देखिए, ये भी इसके भी कई सारे कलर हैं, नाम मैं नहीं जान रहा अभी इसका, आप कमेंट करके बताना। ये भी मात्र 20 रुपीज़ का है, और ये इंडोर एरिया में आपको रखना है, इंडोर में ये फ्लावरिंग करेगा, ये देखिए। और इसमें कई सारे अलग अलग शेड्स हैं, और फूल भी इस पर काफ़ी आएंगे, पत्तियाँ भी इसकी खूब। बाकी इधर सारी पौधे इनकी, ये देखिए आप, ये जो हमारा परमानेंट 12 महीने सदाबहार रहता है। और उधर ये देखिए ये पूरा इधर गेंदा है, और उधर कुछ बल्ब लगाए हुए हैं इन्होंने किसी चीज़ के, ये देखिए
ये अभी यहाँ ग्रो करते हैं, जैसे आपने बाहर देखा है ना लिलियम के बल्ब, ऐसे ही कोई बल्ब इन्होंने लगाए हुए हैं। बाकी इधर डेलिया है और इधर पूरा रेनिकुलस भी है कुछ, ये देखिए। और इधर पूरा ये सारा ऐसे ही इनका एक पूरा सेक्शन है, यहाँ पे सारी सैपलिंग्स ये तैयार करते हैं। और ये एक सलाद पत्ता होता है ना, ये वो है, ये देखिए। और एक ही है ये सलाद पत्ता, इसको बोलते हैं वैसे, इसका जो नाम है वो लेट्यूस है। और ये दो तरह के आती है, एक तो ये ग्रीन आप देख रहे हैं और एक होती है ये रेड, उसका रेड कलर होता है हल्का सा। तो ये सलाद में आप इसको यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छी रहती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।